नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि BSF की निकली हुई है वैकेंसी। तो दोस्तों, BSF में वैकेंसी निकली हुई है, उनकी आपको सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारे वीडियो पर बने रहना है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। आपको आपकी कितनी वैकेंसी निकली हुई है, आपकी कब से आपके फॉर्म चालू होने वाले हैं, किस डेट्स को आपको लास्ट डेट दी है, ये आप कब तक आपको अपना फॉर्म सबमिट करना ज़रूरी है दोस्तों, आपकी कितनी फीस काटी जाएगी, इसमें आपको फीस कितनी लगेगी, वो सारी जानकारी मैं वीडियो में बता रहा हूँ। तो देखिए, BSF हेड कॉन्स्टेबल, रेडियो ऑपरेटर RO और रेडियो में मशीन MR रिक्वायरमेंट 2022 फॉर्म, RM वाले यानी RM रिक्वायरमेंट वाले भी इसमें फॉर्म निकले हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल्स यानी एप्लीकेशन बीइंग यानी 20/8/2022 से आपके एप्लीकेशन बीइंग है यानी एप्लीकेशन चालू हो जाएंगे, 20/8/2022 से आपके फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे दोस्तों। तो और इसकी लास्ट डेट दी हुई है, वो लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन यानी 19/9/2022 आपकी 19 तारीख नवे महीना में आपकी लास्ट डेट दी हुई है। और पे एग्जाम फीस आपको 19/9 में आपको अपनी एग्जाम फीस पे करनी होगी दोस्तों। इसमें एग्जाम डेट यानी आपको एग्जाम डेट है, अब एग्जाम डेट आपकी नोटिफिकेशन यानी सुन दिया हुआ है, आपको नोटिफिकेशन सुन चल रहा है। आपकी जो एप्लीकेशन फीस है आपकी कितनी रखी गई है, जनरल OBC EWS की दोनों की आपकी 200 रुपये फीस रखी गई है, 200 रुपये फीस देनी होगी आपको। ST PH वालों को 0-0, ऑल कैटेगरी फीमेल उनको सबकी फीम 0 रखी गई है। तो ये इसमें मिनिमम एज रखी गई है आपकी 18 से लेके मैक्सिमम एज है वो 25, 18 से 25 आपकी एज रखी गई है। ये इसकी एज लिमिट दी हुई है 18/9/2022, ये एज लिमिट दी हुई है यानी 18 से 25 आपकी 25 से आपकी मैक्सिमम एज है। तो BSF हेड कॉन्स्टेबल RO रिक्वायरमेंट ये आपकी टोटल वैकेंसी दी हुई है, आपकी टोटल वैकेंसी 1312 पोस्ट हैं, तो 1312 पोस्ट हैं, पोस्टों के नाम दिए हुए हैं। हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर RO में आपकी पोस्ट कितनी है, 982 आपकी पोस्ट दी हुई है यानी 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विथ मिनिमम 60% आपके फिजिक्स मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ में इनमें आपकी 60% होना ज़रूरी है दोस्तों। तो यानी मार्क्स PCME सब्जेक्ट और क्लास 10th मार्कशीट हाई स्कूल विथ ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेवल्स इलेक्ट्रिशियन इसमें दी हुई है दोस्तों। इसमें आपको ये नोटिफिकेशन पूरे पढ़ लेना है, इस हिसाब से आप अपना फॉर्म तभी भरें, आपको आपके पास क्वालिफिकेशन है तभी फॉर्म भरना जरूरी है आपको। तो हेड कॉन्स्टेबल रेडियो जिसमें दिया है हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मशीन RM, इसमें RM में आपकी वैकेंसी दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 330 वैकेंसी है टोटल, वैकेंसी 330 वैकेंसी इसके अंदर। तो दोस्तों, 10+2 12th यानी इंटरमीडिएट आपको फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें भी चाहिए दोनों में। तो नीचे दिए हुए क्या है, BSF एंड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर, इसमें जनरल की आपकी वैकेंसी कितनी है, OBC की क्या है, इस OBC की इसमें 0 दी हुई है दोस्तों। BSF हेड कॉन्स्टेबल वाले में 0 वैकेंसी, OBC वालों के लिए, EWS वालों के 2420 हैं, SC वालों के 131 और ST वालों के 110 हैं, टोटल वैकेंसी 982 वैकेंसी हैं। BSF हेड कॉन्स्टेबल रेडियो में मशीन RM की वैकेंसी कितनी है, 43 वैकेंसी जनरल वालों की है, 100 वैकेंसी OBC वालों की हैं और 61 EWS हैं, SC 77 वैकेंसी दी हुई हैं, ST 49 दी हुई हैं, टोटल वैकेंसी दी हुई हैं 330 वैकेंसी हैं, 330 वैकेंसी दी हुई हैं। तो दोस्तों, नीचे चलते हैं, देखिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट 20/8/2022, लिंक एक्टिवेट 20/8/2022 को आपकी लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगी दोस्तों। डाउनलोड नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको, अगर आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना हो, क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों ये नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ गया है, इसमें आपको अपनी सारी जानकारी दे रखी है, RO और RM दोनों की डिटेल इसमें दी हुई है, वैकेंसी डिटेल आपको कितनी वैकेंसी होनी है।